अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की एक यूनिक रेसिपी, एक झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए हमने तीन आलू लिए है। तीन आलू को हमने बॉईल करके उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है, कद्दूकस करके उसे अच्छी तरह से हमने मसल भी लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने बाकी मसाले। हमने एक प्याज बारीक कटी हुई हमने ली है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने हरी शिमला मिर्च ली है, ये एक दो टेबलस्पून है, ये भी हम थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे। हमने पीली गाजर, जो गावटी गाजर होती है, वो भी हमारे पास थोड़ी सी थी, हम उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और गाजर, एक टेबलस्पून गाजर। सारी चीज़ों को हमने बारीक कट कर लिया, आप भी इसी तरह बारीक चॉप कर लीजिएगा। ये देखिए, हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे, ये लाल और हरी है, दोनों हरी मिर्ची हमने बारीक कट करके डाला है। आप चाहे तो स्पाइसेस कम डालिए, हम तीखा खाते हैं इसके लिए हमने ज़्यादा डाले। ये है मिक्स हर्ब और चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला और आधे नींबू का रस, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच नमक और थोड़ा सा हरा धनिया। देखिए, हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कॉर्नफ्लावर, ये दो टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर है। इसमें हम ऐड करेंगे एक टेबलस्पून भर के चावल का आटा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें ये बर्तन छोटा लग रहा है, हम बड़े में ट्रांसफ़र करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें थोड़ा सा आटा कम लग रहा है, अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड करेंगे। हमने एक टेबलस्पून भर के और कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड किया है। देखिए, हमने कॉर्नफ्लावर मिला के ऐड किया है, अब ये परफेक्ट बैटर बन जाएगा। ये देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। इस तरह हमें इसका बैटर तैयार करना है। अब हम इसमें से थोड़ा सा बैटर लेंगे, इस तरह हम इसमें हाथों की मदद थोड़ा सा बैटर लेंगे, इसे हम अच्छी तरह से इस तरह गोल करेंगे। इस तरह गोल करना है हमें और इसे इस तरह से थोड़ा सा फैला देना है। क्यूब्स लिया, इसे इस तरह से कट कर लिया है। एक क्यूब हम इसके बीच में इस तरह से रखेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमने इसे फोल्ड कर दिया है। इसी तरह हम सारे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए हमारे बॉल्स कितने खूबसूरत से बने हैं, कितने कलरफुल लग रहे हैं। इसी तरह आप सारे बॉल्स बना लेना। ये देखिए, हमने दूसरा भी तैयार करेंगे इस तरह। देखिए, हमें सारा फैला के इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसे हथेली की मदद से इस तरह राउंड शेप दे देना है। ये देखिए, हमारा बॉल्स तैयार है। इसी तरह हम सारे बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए, हमने सारे बॉल्स तैयार कर लिए, अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसी तरह आपको सारे बॉल्स तैयार करने हैं। ये देखिए, हमने सारे बॉल्स तैयार कर लिए, अब इसे हम फ्राई करने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रखा है। ये देखिए, हम बॉल्स को तेल में डाल देंगे। हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना बॉल्स जलने का डर है। इसी तरह हम अपने सारे बॉल्स इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमें सारे बॉल्स इसमें ऐड करने हैं। एक एक करके हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमने अपने सारे बॉल्स ऐड कर दिए इसमें। अब हम इसे एक तरफ से फ्राई करेंगे, इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। हम इसे 2 मिनट के बाद इसे टर्न करेंगे। ये देखिए, हमारे बॉल्स कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गए। एक तरफ हम इसे टर्न कर दिया हमने, दूसरी तरफ भी हम इसे फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, कितनी अच्छी तरह से बने हमारे बॉल्स। देखिए देखिए, बहुत मज़े के लग रहे हैं।
ये देखिए हमारे बॉल्स बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमारे चीज़ बॉल्स बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, क्रिस्पी भी हो गई है और मज़े की भी लग रही है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। ये देखिए इसकी चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट होके बाहर आ रही है। देखिए कितनी अच्छी तरह से बनी है। ये क्रिस्पी भी है, मज़े की भी है। देखिए।